हम लोग जा रहे हैं पटना, क्या ही कर सकते हैं, जल्दी चलो पर देखिए, क्योंकि मैथिली इंडस्ट्री में काफी नाम कमाया है। भाई का हालत देखो, भाई बेचारा रो रहा है। अनिल यादव ले चीना वाला, चीना वाला सब के गोर सुके गोर लगे छे। तो भाई यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग नेपाली रुपया, मतलब नेपाली करेंसी को इंडियन करेंसी में। यहाँ पर शासन है, ट्रेन में तो आज के बट यहाँ का सिचुएशन दिखा देता हूँ आप लोगों को। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो गाइज आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग लाकर आया हूँ, तो कुछ अलग ही स्पेशल ही होने वाला है। तो आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं पटना, जो कि शायद आप लोगों को पता होगा कि मैथिली इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमाया है अनिल यादव ने, जो कि आज हम जा रहे हैं उनसे ही मिलने के लिए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 बज रहे हैं और 11 बजे से यहाँ से ट्रेन है जयनगर के लिए। और हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान है गाइस, आप लोगों को मिलाता हूँ। अगर आप लोग टिकटॉक चलाते होंगे तो आप लोगों को अवश्य से पता होगा कि कौन है ये, बल्कि मुझे इसका इंट्रो को देने का मतलब कोई बात ही नहीं बनता, क्योंकि आप लोग तो पहचानते होंगे, फिर भी ये खुद से अपना इंट्रो देना चाहते हैं। तो मिलो भाई से। हाँ भाई, भैया सबसे पहले गोर लगे छे, नहीं चीना वाला, चीना वाला सब को के गोर सुके गोर लगे छे। तो हम तोहर छोटका राजन भाई कथी कहिए। तो गाइस ये राजन भाई हैं, जिसका टिकटॉक पे काफ़ी अच्छा फॉलोवर है और ये अभी मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री में जा ही रहा है, और काफ़ी मतलब इसका पहला गाना ही काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों को मिला, जिसमें मैं ही मेन मॉडल में काम किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का। तो उम्मीद है कि इसी तरह से भाई को सपोर्ट करोगे। अगर आप लोग चैनल नहीं देखे हो भाई का गाना अभी तक, तो जा कर के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, भाई का गाना होगा हमारे साथ, तो भाई का कोलैब देखने को मिलेगा। और अब भाई जा रहे हैं पटना, जो कि मैं भी इसी के साथ जा रहा हूँ कि मुझे एक मौका मिल जाएगा कि अनिल यादव जी से मिलने का, और भाई को कोलैब करना है। मतलब अनिल यादव जो भैया हैं वो भाई से कांटेक्ट किए हैं कि हाँ भाई आ जाओ यहीं से आप गाना गाना, और जो भी होगा बाद में कि आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। बाय द वे मैं हूँ अभी जनकपुर का रेलवे स्टेशन के पास, ये पीछे आप लोग पटरी चेक कर सकते हो, इधर से उधर वहाँ पे स्टेशन है। तो अभी ज़्यादा बात ना करते हुए चलते पहले स्टेशन पे, स्टेशन का कुछ व्यू आप लोगों को दिखाऊंगा, और उसके बाद टिकट वगैरह भी लाना है, और उसके बाद जाना है हम लोगों को जयनगर, फिर जयनगर से आगे क्या कुछ होता है बने रहना वीडियो में, बहुत ही मज़ा आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग। और आप लोगों को पता भी चलने वाला है कि हम लोग कैसे अनिल भैया से मिल सकते हैं पटना में, तो बने रहना वीडियो में अंत तक, बहुत ही मज़ा आएगा, क्या ही बताऊँ। बस वीडियो को अंत तक देखना, और होगा तो वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और भी भाइयों को पता चल सके कि हाँ भाई, हाय हाय प्रेस ट्रेन के सीट पे क्या जा रहा है भाई, चेकआउट, बने रहना वीडियो में, चलो चलते हैं। फाइनली चेक दिस आउट, पीछे जो है टिकट कटा रहा है, और हम लोग का जयनगर के लिए 70 रुपये का टिकट पड़ेगा, जो कि वहां आप लोग चेक कर सकते हो। तो अभी फटाफट से टिकट लेते हैं और वेटिंग करते हैं ट्रेन के लिए। सो गाइस फाइनली चेक दिस आउट, ये रहा नेपाल का ट्रेन जो कि आ चुका है, और अभी हम लोग बैठने वाले इसमें और डायरेक्ट चलते हैं जयनगर के लिए। काफ़ी ज़ोरों से गर्मी लग रही है बट कोई दिक्कत नहीं, चलते फटाफट से और मिलते हैं आगे। गर्म लग रही है, पानी का बोतल भी हम लोगों ने नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया है। लाल भीड़ आप लोग चेक कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, पर जैसे तैसे जाना तो पड़ेगा ही, सो चलते हैं। ओ भाई साहब, हालत चेक करो, क्या मतलब क्या ही बताऊँ, नेपाल ट्रेन का यही एक समस्या है, एक ही ट्रेन है बट इतना ज़्यादा भीड़ है कि क्या ही कर सकते हैं, जल्दी चलो पर देखिए। हम लोग ट्रेन में तो आ चुके हैं बट यहाँ का सिचुएशन दिखा देता हूँ आप लोगों को। भाई इतना ज़्यादा क्रेज है, ऊपर से टिकट कटाओ और ऊपर से खड़ा होकर जाओ, मतलब नेपाल से एक ही ट्रेन जयनगर के लिए जाता है, इसीलिए इतना ज़्यादा क्रेज है। भाई का हालत देखो, भाई बेचारा रो रहा है, स्टार को भी कोई वैल्यू नहीं देता है, हमें क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग एंजॉय करो और घर से आगे की तरफ। हाँ भाई चेक करो, हमारे
हमारे पास टिकट भी है, सारे चीज है, बट हम लोग को सीट नहीं मिला तो अभी गेट पे ऐसे करके बैठे हुए हैं। इसी तरह से हम लोग जयनगर तक का सफर करने वाले हैं। रास्ते में जो कुछ भी होगा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नए से नए नोटिफिकेशन आप सबके पास जा सके। और खास करके ये 2-3 दिनों का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैथिली स्टार से मिलने के लिए जा रहे हैं, सो काफ़ी एक्साइटेड सा हूँ। और आप लोगों को क्या कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोग कमेंट में छोड़ देना, जब हम मिलेंगे भैया से तो सारे क्वेश्चन जो है मैं उनसे पूछूंगा और जवाब लेने का कोशिश करूंगा। बाय द वे इसी तरह से एंजॉय करते सफ़र का, और भीतर आप लोग चेक कर ही सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है। फिलहाल पंखा तो चल रहा है बट उतना ज़्यादा गर्मी इतना है कि पंखा भी काम नहीं कर रहा है और ट्रेन भी एक ही है तो क्या ही बता सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अभी जयनगर स्टेशन, एंड पीछे आप लोग चेक कर ही पा रहे होंगे जयनगर स्टेशन है और ये कुछ यहाँ का स्टैंड है जो कि आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ से अभी पहले थोड़ा बहुत काम है तो वो काम निपटा करके आगे फिर टिकट लेंगे। तो भाई सुरैज पहले यहाँ पे काम ख़त्म करते उसके बाद टिकट लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे डायरेक्ट पटना के लिए टिकट मिलता है हम लोगों का या फिर नहीं मिलता है। सो पहले चेक दिस आउट, यहाँ पे भजा रहे अच्छा भजे पे। तो भाई यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग नेपाली रुपये, मतलब नेपाली करेंसी को इंडियन करेंसी में। यहाँ पर शासन है, अलाउड नहीं है फोटो खींचने का। 15 रुपये। सो गाइस यहीं पे हम लोग नेपाली करेंसी चेंज कर रहे हैं जो कि मतलब हम लोग आगे जाने वाले हैं इसीलिए यहाँ पे करेंसी चेंज कराना जरूरी है क्योंकि भीतर इंडिया में नेपाली पैसा नहीं चलता है ज़्यादातर, इसीलिए तो पहले चेंज कराते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम लोगों का ट्रेन था लेकिन डायरेक्ट पटना के लिए नहीं मिल रहा था, पहले मिला था हाजीपुर, उसके बाद हाजीपुर से पटना जाना पड़ता, बट अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड में और फिर वहाँ से चेक करेंगे कि डायरेक्ट पटना के लिए बस है या नहीं और है तो कितने रुपये का है, मतलब वो भी देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मतलब 11:45 से हम लोग बढ़े थे जनकपुर से, अभी कितना हो गया टाइम कितना हो गया। हाँ भाई, भाई को हंसी आ रही है। 1:30 मतलब 2-2.5 घंटा हम लोगों को लग गया यहाँ तक आने में, अब आगे देखते हैं कितना वक्त और लगता है पहुँचने में। सो ये कुछ स्ट्रीट व्यू है यहाँ का, चेकआउट करो। भाई भी थक चुका है बेचारा, घाम पसीना काला काला हो चुका है बट बढ़ते हैं आगे की तरफ, जब संघर्ष ही करना है तो थोड़ा अच्छी तरीके से करते हैं ताकि दुनिया वालों को भी लगे कि हाँ भाई संघर्ष कर रहा है। चलो फाइनली हम लोगों का बस मिल चुका है डायरेक्ट पटना के लिए जो कि यहाँ से 1:12 में खुलेगा, अभी 9 हो चुका है, 1:09 में मतलब 2-3 मिनट में यहाँ से खुल जाएगा और फिर हम लोग 8 बजे के करीब रहेंगे पटना में डायरेक्ट, उसके बाद मिलेंगे भैया से और फिर देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है, भैया क्या बोलते हैं उसके बाद आगे क्या होता है। फिलहाल भाई जो था वो कुछ किनने के लिए गए हैं, चेक दिस आउट, वहाँ पर चेक कर सकते हो क्योंकि इन लोगों का आज मतलब अलग ही बात रहता है, कोई दिक्कत नहीं, गर्मी इतना ज़्यादा है कि क्या ही बताऊँ। जैसे तैसे करके बस तो मिल चुका है, वो पहुँचते हैं और रास्ते में क्या कुछ होता है हमारे साथ वो सारे चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा और क्या कुछ करते हैं हम लोग वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब डायरेक्ट हम लोग मिलेंगे रास्ते में। अभी हम लोग ये दरभंगा बस स्टैंड, ये आप लोग चेक कर सकते हो दरभंगा बस स्टैंड का व्यू कुछ और ही है, और भाई कुछ खाने के लिए ले रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ है। हाँ भाई आ गया स्वाद। सो गाइस जहाँ पे पानी ले रहे हैं हम लोग चेक कर सकते हो।
फाइनली हमारा 10 मिनट हो गया और अभी अब खुल रहा है यहाँ से, तो डायरेक्ट हम लोग जाएंगे पटना के लिए। सो मैं अभी यहाँ से व्यू चेकअप करा देता हूँ आप लोगों को। चेक करो, स्टैंड का व्यू है। मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं दिखा सकता क्योंकि गाड़ी जो है बहुत ही जल्द खुलने वाली है, इसलिए ऐसा ना हो कि हमारा बस भी छूट जाए। तो आप लोग मैनेज करना, वरना हम दिखाते अच्छी तरीके से। बेचारा, कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में टिकटॉक स्टार का, कोई वैल्यू नहीं है। क्या ही कर सकते हैं। चलो खाली से जाओ। अच्छा अति कर रहे हैं, जाओ। अच्छा अति कर रहे हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अभी पटना के 0 माइल, और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं मिठापुर 2 नंबर गेट पे, और वहाँ से भैया का एड्रेस जो है निकलेगा। तो अभी 2 लोग हैं हम लोग, जो कि आप लोग वीडियो में तो देखे ही होंगे, हम 2 लोग साथ में आए हैं, और 2 लोग जब आएंगे और तो 4 लोग मिला करके ये टेम्पू तब जाएगा। 2 को मैं रिजर्व करने के लिए बोल रहे हैं 200 का, और वैसे इसका नॉर्मली किराया जो है 40 रुपया है। तो देखते हैं कब तक 2 पैसेंजर आते हैं, उसके बाद जाते हैं, और होगा तो भैया से आज ही थोड़ा बहुत मिलेंगे, नहीं तो कल वाले ब्लॉग में जो अच्छी तरीके से भैया से बातचीत करेंगे, और क्या कुछ आप लोगों का क्वेश्चन होगा वो भी पूछेंगे। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। कुछ ऐसा स्थिति है 0 माइल का, आप लोग चेक कर सकते हो, टेम्पू वगैरह वहाँ पर लगा है। आप लोगों को जहाँ भी जाना हो दानापुर, जहाँ भी जाना हो पटना में, वहाँ से आप लोग टेम्पू रिजर्व करके जा सकते हो। लाल बस भी आ रहे हैं अपने टाइम टेबल के अनुसार। हाँ भाई, आ गया स्वाद। You know my eyes on your face, see your body, I just wanna taste.